हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके अपनी होस्ट और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने चैनल स्ट्रेंज एडिक्शन पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में मौजूद उन 10 बेमिसाल और सबसे महंगे घरों के बारे में जो कहने को घर है लेकिन किसी आलीशान महल से कम नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। और नंबर 10 पर है रतन टाटा रेसिडेंसी। दोस्तों, फोटो में दिखने वाला यह घर रतन टाटा का है और इस घर को रतन टाटा निवास के नाम से जाना जाता है और यह घर मुंबई के कोलाबा विस्तार में स्थित है। दोस्तों, देखने में यह घर कोई व्हाइट हाउस से कम नहीं है। यह घर 3 मंजिला है और करीबन 15,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और दोस्तों यह घर की कीमत करीबन 150 करोड़ रुपये बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नंबर 9 पर है NCPA अपार्टमेंट्स मुंबई। NCPA भारत का सबसे महंगा अपार्टमेंट है और यह मुंबई के नरीमन पॉइंट जैसे पॉश इलाके में स्थित है। NCPA अपार्टमेंट दोस्तों निश्चित रूप से फ्लैट है और अगर आप 4 बेडरूम वाला फ्लैट खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको करीबन 29 करोड़ खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने बैंक में एक भारी रकम होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 8 पर है व्हाइट हाउस इन द स्काई। दोस्तों, यह घर विजय माल्या का है जो कि किंगफिशर और यूबी ग्रुप के मालिक रह चुके हैं, जो कि व्हाइट हाउस इन द स्काई के नाम से जाना जाता है। यह घर यूबी सिटी बेंगलोर में स्थित है जिसकी कीमत करीबन 100 करोड़ रुपये से कम नहीं है। और दोस्तों, नंबर 7 पर है राणा कपूर निवास। दोस्तों, फोटो में दिखने वाला यह खूबसूरत घर राणा कपूर का घर है और दोस्तों दिखने में यह घर कोई महल से कम नहीं लगता। दोस्तों, यह मुंबई के टॉनी अल्टामाउंट रोड के पॉर्च स्थान पर स्थित है और यह खूबसूरत घर की कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए बताई गई है। और दोस्तों, नंबर 6 पर है अबॉडी। दोस्तों, हम जो भव्य घर की बात करने जा रहे हैं वो मुंबई में स्थित मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी का घर है जिसे अबॉडी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर की कीमत क्या हो सकती है। और अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो मैं बता दूँ कि इस घर की कीमत करीबन 500 करोड़ रुपये या उससे भी अधिक बताई गई है। और दोस्तों, नंबर 5 पर है जेके हाउस गौतम सिंघानिया रेसिडेंसी। दोस्तों, यह घर मुंबई में ब्रिज कैडी में स्थित है। यह घर गौतम सिंघानिया ने बनवाया है जो जेके हाउस के नाम से जाना जाता है। इस घर की टोटल 30 मंजिलें हैं जिनमें से 6 केवल पार्किंग बनाए गए हैं। उसके अलावा हीथ सेंटर, एक संग्रहालय और हेलीपैड जैसी अद्भुत सुविधाएँ भी इस घर में उपलब्ध हैं। और दोस्तों, नंबर 4 पर है रवि रुइया रेसिडेंसी। दोस्तों, दिल्ली में स्थित यह घर रवि रुइया के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह भव्य हवेली को बनाने में बहुत ही साल और बहुत ही मेहनत लगी है। रवि रुइया के अलावा उनके दूसरे भाई शशि रुइया भी इस हवेली के मालिक है। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस हवेली को बनवाया था जिसकी कीमत का अनुमान करीबन 120 करोड़ रुपये लगाया गया है। और दोस्तों, नंबर 3 पर है शाहरुख खान रेसिडेंसी। दोस्तों, इन्हें कौन नहीं जानता। भारत के सबसे चहेते सुपरस्टार शाहरुख खान का यह घर जिसे मन्नत के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित है। भारत के अमीर अभिनेताओं में शाहरुख खान का नाम दूसरे नंबर पर आता है और इस घर की कीमत करीबन 150 करोड़ रुपये बताई गई है। और दोस्तों, नंबर 2 पर है नवीन जिंदल रेसिडेंसी। यह घर राजनेता उद्योगपति नवीन जिंदल का है जो दिल्ली के लिफ्टी लुटियंस बंगला क्षेत्र में स्थित है और यह एरिया दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। और दोस्तों, यह घर की कीमत 150 करोड़ रुपए बताई गई है। और दोस्तों, नंबर 1 पर है एंटेलिया। दोस्तों, इस घर के बारे में कौन नहीं जानता और यह नाम भी आप बहुत बार सुन चुके होंगे। भारत के सबसे घनी व्यक्ति मुकेश अंबानी का यह घर मुंबई में स्थित है और यह घर एंटेलिया के नाम से जाना जाता है। यह घर 4 लाख वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घर की भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें लगभग हर सुविधा उपलब्ध है और इस घर की कीमत करीबन 10,000 करोड़ रुपये के आसपास रखी गई है।